सो राइट दोस्तों, बॉक्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मैं लेकर आया हूँ। राइट मेरे पास है नोकिया का नोकिया 3, एक एंड्रॉयड वाला फोन। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको कितने में खरीदा है। लेट मी फोल्ड दिस, आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर मेंशन है नोकिया 3, ये मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है और प्राइस आप देख सकते हैं 9,700 रुपये का ये मैंने लिया है। जस्ट मैं अभी इसको लेकर आया हूँ, मेरे भाई के नाम से बिल है, आप चेक कर सकते हैं, गुरप्रीत सिंह, 9700 का बिल यहाँ पर बना हुआ है। सो ये है दोस्तों प्रोडक्ट। अगर आप इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और जानिए इसके बारे में। तो दोस्तों बॉक्स आपको ऐसे कुछ देखने को मिलता है एंड अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है नोकिया 3 के बारे में। तो यहाँ पर इसके फ्रेम के बारे में बात कर रखी है, एल्युमिनियम का फ्रेम है, 5 इंच का पोलराइज डिस्प्ले है, 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस, फ्रंट और रियर कैमरा है, वोल्टी ही रेडी फोन है ये, क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB RAM और 16GB इंटरनल मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों पीछे अगर हम प्राइस चेक करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखा है 10,299 रुपए। सेम प्राइस आपको अभी गैजेट्स NDTV की शॉपिंग वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सो राइट दोस्तों फटाफट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सो वहां पर जब दोस्तों मैं इसको मेरा जब कजन लेने गया था, मेरा भाई जब इसको लेने गया था तो उन्होंने बोला आप इसको खोल के चेक करना चाहते हैं, तो उनको हमें स्पेसिफिकली बोलना पड़ा कि नहीं हमें नहीं चेक करना। ऑल राइट दोस्तों ये है नोकिया 3, मैंने ब्लैक कलर मंगाया था। दोस्तों मुझे ब्लैक कलर से बड़ा प्यार है, मुझे ब्लैक कलर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको 2 मिनट साइड रखते हैं, बाकी बॉक्स कंटेंट्स को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तो दोस्तों ओके, यहाँ भी कुछ है, सिम इजेक्टर टूल और कुछ सेफ्टी मैनुअल दे रखी है यहाँ पर, और इसमें चेक करें फटाफट। ऑलराइट दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिलता है चार्जर। तो चार्जर की आउटपुट रेटिंग देख सकते हैं आप, DC 5V 1A, सो काफी स्लो चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको कुछ इन ईयर टाइप हेडफोन्स मिलते हैं, और जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल हेडफोन्स हैं ये, एंड आपको माइक्रोफोन सपोर्ट भी दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक माइक्रो USB केबल, चार्जिंग डेटा केबल दे रखी है। जी हाँ ये देख सकते हैं आप दोस्तों, माइक्रो USB केबल है। कंसंट्रेटिंग बैक ऑन द डिवाइस, सो इसको पैकेट में से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ऑलराइट सो ये है दोस्तों नोकिया 3, सो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है एंड लुक्स वेरी प्रीमियम फॉर श्योर। सो राइट दोस्तों पीछे राइट ये प्लास्टिक लग रहा है मुझे, राइट आवाज़ से ही प्लास्टिक लग रहा है, बट साइड्स राइट साइड्स में मेटल आपको देखने को मिल जाएगा। सो राइट दोस्तों फटाफट बूट अप कर लेते हैं, बूट कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर। राइट साइड में पावर बटन दिया गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है दोस्तों इसने बूट करने में। सो राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। ऑलराइट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको लोकल लैंग्वेज सपोर्ट भी दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। सो फटाफट दोस्तों मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं दूंगा इस फ़ोन का ओवरव्यू। सो राइट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेटअप कर लिया है इस फ़ोन को, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए जियो यहाँ पर चल रहा है बहुत अच्छे से, जियो सिम डला हुआ है, 4G आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ रहा है, एंड फुल नेटवर्क्स हैं। सो फॉर श्योर ये VoLTE सपोर्ट करता है यहाँ पर। सो दोस्तों यहाँ पर अगर इस प्रोडक्ट के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ मैं, ऊपर की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा विद F2.0 अपर्चर एंड एक ये ऑटो फोकस कैमरा है। इसके साथ आपको दिया गया है ईयरपीस और ऊपर की तरफ आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बियंट लाइट सेंसर भी मिल जाएगा। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर 5 इंच की स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 67.3%। ये एक 720p यानी कि ये HD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है, और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 294 पिक्सल पर इंच। श्योरली यहाँ पर एक तरह की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दे रखी है, बट दैट इज अनस्पेसिफाइड। दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलती है ये बैकलिट कीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटिव कीज है यहाँ पर। जैसे ही आप इसको यूज करते हैं तो आपको एक तरह का हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेगा। और राइट साइड में दोस्तों आएंगे तो आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर कीज एंड पावर बटन, एंड दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पीकर, यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग पोर्ट एंड प्राइमरी माइक्रोफोन,
और दोस्तों ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको दो कार्ड स्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला जो स्लॉट है ये है डुअल सिम कार्ड स्लॉट, यहाँ पर आप दो सिम यूज कर सकते हैं एंड श्योरली सिम कार्ड वोल्टी सपोर्ट करता है, यहाँ पर जियो सिम भी काम करेगा, और उसके अलावा यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर दोस्तों पीछे आए तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है नोकिया का ब्रांडिंग, लिखा है डिजाइन बाय HMD ग्लोबल, एंड यहाँ पर दोस्तों दिया गया है रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, एक LED फ्लैश दी गई है, एंड यहाँ पर जो अपर्चर आपको मिलता है वो है F2.0। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और अगर सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड नूगट एग्जैक्टली देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 7.0 यहाँ पर अभी दिया गया है। सो लेटेस्ट एंड्रॉयड नहीं है यहाँ पर, बट श्योरली यहाँ पर अपडेट्स आती रहेंगी, नोकिया का कहना है दे विल बी वेरी एक्टिव ऑन गिविंग्स द अपडेट ऑन देयर मोबाइल्स। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, सेटिंग्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, 2 GB रैम के साथ ये फोन आता है, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको करीब करीब 16 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी, अडेप्टिव ब्राइटनेस का भी आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। सो अगर फोन में डले हुए एप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी एप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, गूगल सूट एप्स सारी यहाँ पर आपको मिलती है, एंड यहाँ पर आपको FM रेडियो भी मिल जाएगा। और अगर मैं इसमें लगे प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको MediaTek का प्रोसेसर दोस्तों मिल जाएगा, मॉडल नंबर है MT6737, और ये बेसिकली एक क्वाड कोर प्रोसेसर है 1.4 GHz का, और उसके अलावा दोस्तों आपको जो ग्राफिक सपोर्ट मिलता है वो मिलता है Mali-T720 से, अगेन 16 GB इंटरनल मेमोरी है इस फोन की, 2 GB रैम है, एंड यहां पर आप 256 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं। सो राइट दोस्तों, एंड इसमें लगे सेंसर्स के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं NFC सपोर्ट के साथ ये आता है, यहाँ पर आपको जायरोस्कोप भी दिया गया है, एक्सेलेरोमीटर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके कैमरा की तरफ, तो कैमरा इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, यहाँ पर ये कैमरा मोड के लिए दिया गया है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको वीडियो मोड के लिए दिया गया है, ये ऑप्शन है फ्रंट मोड के लिए, टाइमर मोड दिया है, यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन है और HDR का। और अगर हम सेटिंग्स की तरफ चलें दोस्तों, सेटिंग्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड अगर वीडियो क्वालिटी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये ऑप्शंस आपको वीडियो क्वालिटी में मिल जाएंगे, सो इवन 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों मोड्स के बारे में बात करें तो ये सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, पनोरमा, ब्यूटीफाई एंड फोटोज मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ एंड देखते हैं, राइट सो काफ़ी जल्दी पिक्चर क्लिक हो रही है, सो लेट अस सी दी ऑटो फोकस ऑफ दिस कैमरा। सो राइट दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ऑटो फोकस किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, कैमरा मुझे एवरेज ही लग रहा है यहाँ पर देखने में, सो लेट अस सी द पिक्चर हेयर, आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्लर्ड फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सो राइट दोस्तों, मेरे ओपिनियन में 9700 काफ़ी ज़्यादा प्राइस है इस फ़ोन का, एंड जितनी ये आपको परफॉर्मेंस दे रहा है उससे ज़्यादा इसका प्राइस है, श्योरली इससे बेटर ऑप्शन है Redmi 4 यहाँ पर, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी परफॉर्मेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू दी कैमरा। श्योरली अभी आगे आने वाले टाइम में मैं और टेस्ट परफॉर्म करूंगा, सो विल हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस डिवाइस। सो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में आप श्योरली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा एंड विल ट्राई टू परफॉर्म दैट टेस्ट ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।